अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2021 और इतवार का दिन है और आप देख रहे हैं क्लाउडी मलाकन चैनल पर सऊदी अरब के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के ताज़ा तरीन खबरें। परवाज़ों की बंदिश, रमज़ान में लाखों उम्रा ज़ायरीन का सफ़र करना मुश्किल। कोरोना इशूज़, रमज़ान में मार्केटों की निगरानी सख्त की जाएगी। कोरोना के 684 नई मरीज, 81 केसेस 6000 से बढ़ गए। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में इज्तिमाई अफ्तार और इतिकाब पर पाबंदी बरकरार। सऊदी मार्केट में सोने की कीमतों में हैरानकुन कमी। रमज़ानुल मुबारक में तरसील ज़र के मराकज़ और बैंकों के औकाती कार मुकर्रर। हरमैन हाई स्पीड ट्रेन 1 साल बाद दोबारा चलने लगी। सऊदी सफीर ने घर बैठे पूरी पाकिस्तान की सैर कर ली। तफसीलात में जाने से पहले, अगर आप भाई ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बिल के आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करने के बाद पेज पर भी शेयर करने वाले हैं। परवाज उनकी बंदिश, रमजान में लाख उम्रा जायरीन का सफर करना मुश्किल। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर दाहिली की पाबंदी में तौसी के बाद रवां साल भी पाकिस्तान से रमजान में उम्र के लिए जाने वाले लाखों अफराद सऊदी अरब का सफर नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब ने 17 मई तक सफरी पाबंदी में तौसी की है। हर साल पाकिस्तान से उम्रा जायरीन की बड़ी तादाद सऊदी अरब का सफर करती है, लेकिन 1 साल से बैनुल अक्वामी परवाजों पर मरहलावार बंदिशों की वजह से पाकिस्तान से उम्रा जायरीन की तादाद हासी महदूद रही है। कोरोना इशूज, रमजान में मार्केटों की निगरानी सख्त की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजीर बल्दियात माजिद अल हकील ने मुमलिकत की बल्दियात को हिदायत की है कि रमजान के हवाले से मार्केटों की निगरानी सख्त की जाए ताकि सारिफीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक रमजान की तैयारियों के हवाले से वजीर बल्दियात ने मुमलिकत के तमाम बल्दियात को हिदायत की है कि मार्केटों में गैर मायारी अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त की जाए और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को भी हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। वजीर बल्दियात की जानिब से जारी अहकामात में मजीद कहा गया है कि कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब से किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। कोरोना के 684 नए मरीज, 81 केसेस 6000 से बढ़ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में हफ्ते को कोरोना के 600 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 81 केसेस 6000 से बढ़ गए हैं। याद रहे कि पहले मुमलिकत में कोरोना के यौमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस 30 से दोबारा बढ़ रहे हैं। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि हफ्ते के दिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 684 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 439 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6690 हो गई। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6007 हो गई है, जिनमें से 760 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में जेरी इलाज हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में इज्तिमाई अफ्तार और इतिकाब पर पाबंदी बरकरार। सऊदी अरब में मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया की सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदेस ने कहा है कि मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई अफ्तार और इतिकाब पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि इस साल मुकद्दस मसाजिद के लिए रमज़ान प्रोग्राम कोरोना वबा से बचाव के उसूल पर तैयार किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदेस ने कहा है कि जायरीन कोरोना SOPs की पाबंदी करें और वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब के मार्केट में सोने की कीमत में हैरानकुन कमी हुई है। सऊदी मार्केट में सोने की कीमत आलमी मंडी में कीमतें गिरने से मुतासिर
हुई है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मार्केट में 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम 205 रियाल और 56 हलाला हो गया है, जबकि 21 कैरेट का 1 ग्राम 179 रियाल और 87 हलाला हो गया है। इसी तरह 18 कैरेट का सोना 154.17 रियाल पी ग्राम हो गया है, जबकि 14 कैरेट का 1 ग्राम 119.91 रियाल हो गया है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मंडी से मुतासिर होकर सऊदी मार्केट में सोने की कीमतों में 1% कमी रिकॉर्ड की गई है। हरमैन हाई स्पीड ट्रेन 1 साल बाद दोबारा चलने लगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के हरमैन हाई स्पीड रेलवे 1 साल से ज़्यादा बंदिश के बाइस बुध से दोबारा चलने लगी है। कोरोना वायरस और जद्दा रेलवे स्टेशन पर आतशदगी के बाइस हरमैन ट्रेन का ऑपरेशन मुअत्तल था। अरब न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मुसाफिरों को आला खिदमात की फराहमी के लिए मुलाजमीन के कोशिशों की तारीफ की। शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी बहुत अहम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन रमीह बिन मोहम्मद अल रमीह ने कहा है कि अथॉरिटी हज व उमरा सीजन के लिए पूरी तरह तैयार है और ये सफर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ किया जा रहा है। सऊदी सफीर ने घर बैठे पूरी पाकिस्तान की सैर कर ली। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में तायुनात सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालकी ने हफ्ते के रोज अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की विपाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक्सप्रेसवे की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की। उन्होंने तस्वीर के साथ खूबसूरत इस्लामाबाद का कैप्शन लगाया और सारिफीन से कहा कि मेरे साथ पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों की तस्वीर शेयर करें। सारिफीन ने सऊदी सफीर की ट्वीट को हाथों हाथ लिया और चंद मिनटों में उन्हें पूरी पाकिस्तान की सैर करा दी। तस्वीर शेयर करने वालों ने जहां पाकिस्तान के कुदरती हुसन पर मबनी तस्वीर ट्वीट की, वहीं पाकिस्तान की तारीखी और सकाबती मराकज, फसलों, जदीद शाहराहों और शहरी व देहाती माहौल के हसीन इम्तिजाज को यकजा कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात। मज़ीद न्यू अपडेट्स और मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़ी रही है, यानी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मालूमाती वीडियोस और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा खबरें मिलती रहें। दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक खुदा।